तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की जो रिमाइंडर ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर नया एक अपडेट आया। नए अपडेट के साथ नए कुछ नए चेंजेस वहां पर किए गए, यहाँ पे हो सकते हैं नए फीचर को एड ऑन किया गया, जिसके बारे में आपको आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया मैं आपको बता रहा हूँ नए अपडेट्स के बारे में, तो उसके लिए जाना आपको अपने मोबाइल गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद आप देखेंगे आपको माय रिमाइंडर ऐप का एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस ऐप को कब रोल आउट किया गया है, 14 मार्च, मतलब कि 2 दिन पहले इसको रोल आउट किया गया है, जिसका वर्जन नंबर है 12.4.03.8 और जिसका साइज है 24 MB का ये अपडेट है। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर क्या क्या नए नए चेंजेस किए गए, जैसे कि एडिट कैटेगरी बटन टू मोर ऑप्शन, आप कैटेगरी में एडिट कर पाएंगे, ये ऑप्शन एड ऑन कर दिया गया है। एडिट अ व्यू डिटेल बटन टू चेक नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के अंदर आप वहां पर व्यू डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, और साथ में डिटेल सेपरेटली ऑन द लॉक स्क्रीन वेयर नोटिफिकेशन डिटेल आर सेट टू बी हिडन, और वहां पर अगर आपने नोटिफिकेशन पे भी मतलब लॉक स्क्रीन पे भी आप नोटिफिकेशन को एड ऑन या पढ़ पाएंगे। तो पहले तो कर लेते हैं अपडेट, फिर चेक करते हैं इसमें क्या क्या नया अपडेट है और इसमें कैसे अपन इसका यूज कर पाएंगे। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो फीचर दिया गया है एडिट कैटेगरी बटन टू मोर ऑप्शन, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर तब जाएंगे 3 डॉट्स पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नीचे आपको कैटेगरी दिखती है जैसे कि सनी, और ये कैटेगरी बना रखा है तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर मॉडिफाई कर पाएंगे, पहले नहीं कर सकते थे। अब आपको इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, आपको यहाँ पर एडिट कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जाके फिर यहाँ पर आप 3 डॉट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एडिट कैटेगरी का ऑप्शन। तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं पूरी कैटेगरी को, नाम वाम जो भी आपको चेंज करना है आप यहाँ से उसका चेंज आउट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप चेंज आउट कर सकते हैं। सबसे पहला फीचर यहाँ पर यही दिया गया है कि मोर सेटिंग में ये मोर ऑप्शन है, मोर सेटिंग के अंदर आप एडिट कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ये दिया गया है, सबसे पहला फीचर यही दिया गया है। उसके बाद सेकंड फीचर दिया गया है एडिट अ व्यू डिटेल बटन्स टू चेक नोटिफिकेशन डिटेल सेपरेटली, तो अब उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए मैं एक यहां पर एक रिमाइंडर लगा देता हूं लाइक अभी। तो यहां पर आप देख सकते हैं अब नोटिफिकेशन में भी आपको यहाँ पर उसका पूरा टाइटल पढ़ के मिल रहा है, मतलब कि जो भी उसमें आपने लिखा है डिस्क्रिप्शन आपको अब लॉक स्क्रीन पे पूरा यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसे अगर आप इसको अनलॉक करेंगे तो अनलॉक में भी अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी आप यहाँ पर उसको डिस्क्राइब पूरा पढ़ सकते हैं। तो यही यहाँ पर नया फीचर एड ऑन किया गया है कि अब आप उसको अच्छे से यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, चाहे आप लॉक स्क्रीन पे हो और चाहे आप वहाँ पर इसको नोटिफिकेशन वाले पे हो। तो यही नया अपडेट था, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।